प्रणाम सभी को, कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और कुछ नया होने वाला है। आज किसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और उन व्यक्ति विशेष के अराउंड हम आज चीज़ों को कवर करेंगे। सो, जिनके बारे में आज बात करने वाले हैं वो हैं 21 वर्षीय देवादत्ता तिमंग। और ये जो है ये एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिम। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। तो मोटा मोटा देखें तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है। देखिए, कुछ गिने चुने पर्पसेस हैं, उनको मैं पहले क्लियर कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने बताया, आई एम इम्प्रेस बाय दिस गाय। जो चीज़ें ये इंसान कर रहा है वो मुझे काफ़ी पसंद आई। तो पहला तो आई वांट के ऐसे लोगों को रिकॉग्निशन मिले जितना मिलना चाहिए। दूसरा रीज़न क्या है कि कई सारे ऐसे मेरे छोटे भाई हैं जो ऐसी कंडीशन में हैं, सेम कंडीशन में हैं। कुछ जो है उस फेज को इन्जॉय कर रहे हैं और कुछ जो है और बेटर करना चाहते हैं। तो जो ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं उनके लिए मैं एक रेफरेंस फ्रेम भी दूंगा कि वो कैसे चीज़ों को और बेटर लेके जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें फिक्स कर सकते हैं और क्या इस सिचुएशन में बेस्ट सूटेबल है उनके लिए। तीसरा पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो गिफ्ट जो देवादत्ता जैसे लोगों के पास में है उसको एक्सप्लोर करना कितना इंपॉर्टेंट है। सो, इसी बारे में आज का वीडियो और शुरू करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। सो आई केम अक्रॉस देवादत्ता's प्रोफाइल बिकॉज ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रैथफिट टीम एंड आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। तो वहां से मुझे पता चला इनके बारे में एंड व्हेन आई सॉ हिज प्रोफाइल आई वॉज लिटरली शॉक्ड। हिज फिजिक इज नो डाउट वेरी गुड, बट मैं शॉक किस चीज को लेके हुआ ना, वो था इनके स्ट्रेंथ नंबर्स, जिनको देख करके मुझको शॉक लगा। मैं इनका जो स्क्वाट का पीआर है वो अराउंड 140 केजीज के आसपास है और इनका डेडलिफ्ट का जो पीआर है वो 180 केजीज के अराउंड है। सो, अब आप लोग कहोगे कि यार ये तो कॉमन है, मतलब इतना पीआर अचीव करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, बड़ी बात नहीं है इतना पीआर अचीव करना, लेकिन फॉर समवन जिसकी उम्र मात्र 21 साल है और उससे भी बड़ी बात जिसका बॉडी वेट सिर्फ 53 किलो है, ओनली 53 केजीज, ये बड़ी बात है। ये तो होगी स्ट्रेंथ की बात, कही है सम अमेजिंग स्ट्रेंथ नंबर्स और 90 या 100 केजी का इनका बेंच है एट दिस बॉडी वेट। अब आ जाते हैं हम इनकी फिजिक पर। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ ना, हिज फिजिक इज वेरी प्रोपोर्शनेट, मतलब कि हम कोई भी फिजिक को अंडर डेवलप्ड कब कहते हैं, जब कोई ना कोई बॉडी पार्ट आगे भाग रहा होता है या बाकी पीछे छूट रहे होते हैं। बट इनकी फिजिक को आप देखोगे ना तो एवरीथिंग इज वेरी प्रोपोर्शनेट इनके फ्रेम को कंसिडर करते हुए। डेल्ट्स दोनों प्रोपोर्शनेट हैं, हिज बैक इज वेरी प्रोपोर्शनेट, हिज चेस्ट इज वेरी गुड, हिज एब्स आर वेरी डिसेंट। उसके साथ ही साथ इनके लेग्स का डेवलपमेंट भी कितना अच्छा है एट दिस बॉडी वेट। इनका जो आउटर स्वीप जो है वो देखो आप, वेस्टस लेटरलिस, इनर स्वीप जो है वेस्टस मीडियलिस, एवरीथिंग दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो भी कितना आराम से, कितना ब्यूटीफुली दिखाई दे रहा है। और इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से इनका काफ मसल भी प्रोपोर्शन में ही है। सो यस, एट दिस बॉडी वेट इस तरह का प्रोपोर्शन अचीव करना इज डिफिकल्ट। अगर मुझे एनालाइज करना हो ना कि इनका क्या इस टाइम पे कंडीशन है, तो एट दिस बॉडी वेट इनका मैं कहूँगा कि इनका फैट परसेंटेज इज क्लोज टू 10%, क्योंकि आपको इसमें इसी परसेंटेज में प्रॉपर सेपरेशंस दिखाई दे रही हैं मसल्स में और स्ट्राइएशंस भी दिखाई दे रही हैं चेस्ट मसल्स में जब ये साइड चेस्ट का पोज मार रहे हैं। और जब ये अपनी हैमस्ट्रिंग को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तब भी हमको देखने को मिल रहा है कि ये स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट ओवर देयर। सो मैं कहूंगा कि दिस इज क्लोज टू 10% बॉडी फैट। ये सब तो चीज़ें हो गई एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मुझको अच्छे लगे। एक और चीज़ जो अच्छी लगी वो ये कि ही लिव्स इन हॉस्टल, हॉस्टल में रह करके ही इज़ डूइंग ऑल ऑफ दिस। सो बहुत अच्छा लगा देख करके कि ही इज़ मैनेजिंग स्टफ इन हॉस्टल। और बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो इनसे रिलेट कर पाएंगे, सो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू टू चेक हिम आउट। अब हम बात कर लेते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इनके जैसी सेम सिचुएशन में हैं जिनके गोल अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे ये अपना वर्कआउट कर रहे हैं, मैंने इनसे बात नहीं की इनका गोल क्या कैसा है, बट अंदाजन मैं जितना बता सकता हूँ, हर किसी का जो गोल होता है इज टू गेट बिग, है ना, कपड़े पहनो तो बड़े लगो, मतलब द गोल इज टू गेट बिग, बेसिकली सबका गोल यही होता है। सो इन ऑर्डर टू गेट बिग, स्पेशली इन लोगों के लिए, इनको अपना कैलोरी एक्सपेंडिचर बहुत कम करना पड़ता है और इनटेक बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे इतने लो बॉडी फैट परसेंटेज में बिना मेहनत किए कोई इंसान उसको मेंटेन कर रहा है, दिस मींस कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी हाई है, मतलब कि एनर्जी बर्निंग कैपेबिलिटी जो शरीर की है वो अच्छी खासी है। उसमें थोड़ा सा रोल इनके जेनेटिक्स का भी है कि हाँ, नॉर्थ ईस्ट साइड के जो लोग होते हैं उनके जो जेनेटिक्स होते हैं वो उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैरी आउट करने वाले बच्चे का जो खेलता कूदता है उसके आपको सिक्स पैक एब्स दिखेंगे। सो जो लोग इनके कंडीशन में हैं एंड दे वॉन्ट टू गेट बिग, तो कैलोरी एक्सपेंडिचर कम करने से मेरा क्या तात्पर्य है, फर्स्ट ऑफ ऑल अननेसेसरीली ज़्यादा चलना फिरना खेलना कूदना बंद करना पड़ेगा आपको, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सब गलत चीज़ें हैं, बट इफ़ यू वांट टू गेट बिग इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं छोड़ी दो, मिनिमाइज करना पड़ेगा। रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेज, जितना आप ट्रेन करते हो, कई लोग जो हैं 7-7 दिन हफ्ते में जिम जाते हैं, ट्रेन करते हैं हैवी, तो उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेन शिकायत यही रहती है हम खा बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन शरीर में लग नहीं रहा। इंक्रीज द नंबर ऑफ कैलरीज, इससे क्या मतलब है मेरा, नंबर ऑफ कैलरीज बढ़ाना मतलब कि ज़्यादा खाना पड़ेगा,
मतलब बर्न कम करो, खाओ ज़्यादा, तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस में आप पहुँचोगे तब जा करके वो चीज़ आपके फिर एक्स्ट्रा मसल्स में या फिर फैट में आएगी। और कैलरी इंटेक बढ़ाने से मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आपका सिर्फ जो है वो मसल ही मसल आएगा, आपको फैट भी आएगा। बट आप सोचो, ये फ्रेम जिस पे सिर्फ और सिर्फ मसल है, मतलब कि फैट फ्री मास जो है वो ज़्यादा है, फैट फ्री मास ज़्यादा है और बॉडी फैट बहुत कम है, और इस फ्रेम में अगर आप थोड़ा सा फैट भी ऐड करते हो ना मसल के साथ में, तो इंसान कपड़ों में बहुत बड़ा लगेगा। सो इसीलिए जो भी लोग इस कंडीशन में है एंड दे वॉन्ट टू गेट बिग, प्राइमरी गोल है बड़ा होना, मस्कुलर होना, और श्रेड्स की बलि चढ़ाने के लिए वो लोग रेडी हैं, तो यही करना पड़ेगा। कैलरी एक्सपेंडिचर कम करो, एक्टिविटी कम करो, ट्रेनिंग कम करो थोड़ी सी, मतलब इंटेंसिटी कम मत करो ट्रेनिंग की, उठाओ बराबर, लिफ्ट बराबर करो, बस 3-4 दिन करो हफ्ते में, और खाओ ज़्यादा, हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, ज़्यादा खाओ। अभी मैं जो बात करने वाला हूँ ना वो है द गिफ्ट, द गिफ्ट। वो गिफ्ट क्या है ऐसे लोगों के पास में जो जिसको ध्यान देना चाहिए लोगों को और जिससे वो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो है द गिफ्ट ऑफ फ्रेम। जैसे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं प्यार से कहता हूँ कि दीज पीपल आर मेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग, पीपल मेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग। मेरे मन में एक अलग कैटेगरी चलती है कि पीपल मेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग, कौन होते हैं ये पीपल मेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग वाले लोग? ये लोग ऐसे होते हैं ना जिनका जो फ्रेम होता है वो छोटा होता है, बोन डेंसिटी होती है वो कम होती है, और एबिलिटी टू पुट ऑन मसल वो ज़्यादा होती है। ये लोग अगर स्टेज पे चढ़ जाए ना सही गाइडेंस के साथ में, तो ये लोग सबको पीछे छोड़ देंगे। और देवदत्ता इसी तरह का आदमी है, पीपल मेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग वाली कैटेगरी में ही मैं इसको देख पा रहा हूँ, और मेरे हिसाब से इस गिफ्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ पीपल मेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग, देखो बॉडी बिल्डिंग जो है ना वो हमेशा खेली जाती है वेट और हाइट की कैटेगरी में, ठीक है। अभी मान लो ये 50-60 किलोज की वेट की कैटेगरी में देवदत्ता उतरता है आफ्टर एडिंग 3-4 kgs ऑफ लीन मसल मास इन हिज फ्रेम, थोड़ा 3-4 किलो कुछ साल की ट्रेनिंग के बाद ऐड करके ये इंसान उतरता है अपनी कैटेगरी में, और वहाँ पे तरह तरह के लोग आएंगे। अब उसी कैटेगरी में कई सारे ऐसे लोग आएंगे जिनकी बोन डेंसिटी देवा से ज़्यादा होगी, बोन डेंसिटी देवा से ज़्यादा होगी, फ्रेम थोड़ा बड़ा होगा, इसका मतलब क्या कि मसल कम लेके आ पाएंगे वो अपने साथ, नहीं तो बोन डेंसिटी भी ज़्यादा मसल भी ज़्यादा तो कैटेगरी ही स्विच हो जाएगी, दूसरी कैटेगरी में चले जाएंगे। लेकिन इनकी कैटेगरी में खेलना है तो अगर आपको अच्छा दिखना है एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में, तो सबसे पहले तो आपकी बॉडी सपोर्ट करना चाहिए उतने वेट को, मतलब आपकी बोन डेंसिटी बहुत कम होनी चाहिए, आपका फ्रेम मतलब कॉम्पैक्ट होना चाहिए ताकि मसल चढ़ पाए उस पर। अगर आपका फ्रेम बड़ा होगा, बोन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वेट आपका ऑलरेडी बढ़ जाएगा। मतलब मान लो अगर आप 50-60 किलो की कैटेगरी में हो और मेजॉरिटी जो वेट है वो आपकी बोन डेंसिटी फ्रेम स्ट्रक्चर ही लेके जा रहा है, तो मसल के लिए स्पेस ही थोड़ा सा बचेगा। बट वहीं एट द सेम टाइम जो देवा जैसे लोग हैं जिनकी बोन डेंसिटी और स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट है, उनके पास में रूम कितना है मसल को बिल्ड करने का, तो वो उस जो वेट कैटेगरी है ना उनकी 50-60 किलो की, उसको बहुत अच्छे से ये लोग यूटिलाइज कर पाते हैं। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दीज पीपल विद लो बोन डेंसिटी विद अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आर मेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि एक अच्छी बोन डेंसिटी वाला इंसान, एक अच्छे फ्रेम वाला इंसान इनके बगल में उतना सेम अमाउंट ऑफ मसल अगर लेके खड़ा होगा तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो वो इनकी कैटेगरी में फिट नहीं बैठेगा। अगर हार्ड कोर ट्रेनिंग के साथ में इसी फ्रेम में 3-4 किलो लीन मसल मास ऐड कर लिया, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एथलीट पीछे छूट जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेम है, इट इज़ नॉट मेंट टू बी इग्नोर्ड। सो दिस वॉज द वीडियो ऑन देवदत्ता तिमंग विद शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट फ्रेम येट अ प्रोपोर्शनेट फिजिक, जिसके पास में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अगर इसी फ्रेम में 3-4 किलो मसल मास ऐड कर ले जाएं, क्योंकि गिफ्ट है और इस गिफ्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो दैट वॉज प्रीटी मच इट, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको शेयर जरूर करिए और गो एंड फॉलो देवा एज वेल। चलिए, बाय बाय।